पूर्वोत्तर से आने वाली लोकसभा की तमाम सीटें 2019 में क्या टारगेट है 100 हाँ बिल्कुल, का बिल्कुल है खैर 100 परसेंट तो मैं क्लेम नहीं करूंगा पूर्वोत्तर में 25 लोकसभा सीट है और इस समय हमारे पास आठ सीट है सात हमें असम से मिले हैं एक सीट हमको अरुणाचल से मिला है जरूर इस संख्या को कम से कम डबल करे ये प्रयास हमारा रहेगा बीजेपी अपने दम पर 15-16 सीट ले पाए और बाकी जो नौ दस सीट होंगे उसमें कुछ हमारे मित्र दल है आज के दिन में हम कुछ दलों के साथ मिलकर वहाँ नेडा करके गठबंधन उसकी सरकार चलाते हैं वे भी कुछ अच्छी संख्या में सीट ले पाए तो 90 परसेंट सीट्स हम नेडा के गठबंधन में लेने की स्थिति में आजों तो, के जो तो माना जाए एन आर सी आज में मदद कर रहा है आपकी एन का पूरा मुद्दा जिस तरीके से उसको पॉलिटिकली यूज़ करने की कोशिश की जा रही है दोनों तरफों से क्या ये एक रणनीति का हिस्सा है नहीं एन आर सी विथ ऑल सिंसियरिटी मैं कहता हूँ हमारे लिए न चुनावी मुद्दा है न राजनीतिक मुद्दा है देश के प्रति हमारे प्रतिबद्धता का देश हित और आसाम के लोगों के हित के प्रति हमारे प्रतिबद्धता का एक परिचय है बस इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं है वैसे आपको मालूम होगा ही एनआरसी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कदम था बहुत कॉम्प्लिकेटेड विषय था इसमें जितना आपको फायदा दिख रहा है पोलिटिकली उसमें उतने चैलेंजेस भी है तो हमने ना चैलेंज देखा ना पोलिटिकल फायदा देखा केवल उस राज्य का हित तो और देश का हित देखा इसलिए हम आगे बढ़े